आपको एक बात बताऊं, हमारा एक शेड्यूल बना हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, हमने पार्लियामेंट से शुरू किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में आपने देखा होगा कि हमने मेमोरेंडम्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो डीसी साहिबान को देके और वो मेमोरेंडम जो हमने डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रवाना किए। और ये वाला जो प्रोटेस्ट था ये हमारे शेड्यूल में था कि हम 7 तारीख को जितने भी पीसीसी हेडक्वार्टर हैं थ्रू आउट कंट्री उन पे ये प्रोटेस्ट होगा। और उस प्रोटेस्ट की जो कड़ी थी वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और हमारा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू के अंदर, क्योंकि वहाँ परमिशन मिल जाती है बाहर जाने के लिए। और जम्मू में तभी पुल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे बैठे हैं और उस प्रोटेस्ट का वो हिस्सा है। और हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के कि हम कुछ और साथी बुला के और बाहर जाके हम सड़क पे प्रोटेस्ट कर दें, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। और हम चाहते हैं कि जब जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है अपने फायदे के लिए तब ये इस रेट्स को डाउन करते हैं। अभी आप मान के चलो कि अभी महीना भी नहीं हुआ जब रेट्स जो थे वो स्लैश किए गए थे और उसके बाद जो ही इलेक्शन आप लोगों ने जीत लिया और रेट्स को आपने बढ़ा दिया। मुझे एक बात बताओ कि आप गरीब जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जब हमें आपकी जरूरत है वोट की तब हम सब कुछ करेंगे और जब आपने वोट दे दिया उसके बाद आप जाओ। और कांग्रेस हमेशा, आप अगर मनमोहन सिंह जी के 10 साल देखेंगे पिछले यूपीए 1 यूपीए 2 उसके रेट और आज के रेट जब आप कंपेयर करोगे उसको आपको खुद पता चल जाएगा कि उस टाइम में कितने रेट थे और आज 7 साल में रेट्स जो है वो कहां पहुंच गए। और ये सबसे बड़ा फायदा जो है ये जो उनके उद्योगपति हैं जो अंबानी बाकी लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं जो उनको फाइनेंस करते हैं जो उनको पैसा पहुंचाते हैं ये उनके लिए ये रेट्स जो हैं ये सब बढ़ाए गए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, गरीब का कोई ख्याल नहीं रखा। पिटिशन में जो आपने देखा जम्मू में हमारा आज प्रोटेस्ट है, वहाँ पे हमारे पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी साहब एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कश्मीर ऑफिस में हमारे सीनियर फंक्शनर जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए हमें बोला था, लेकिन बदकिस्मती से पहले गेट को बंद कर दिया गया है। अपनी आवाज़ को रखने के लिए हमें कदगैन लगाया गया, लेकिन हमारी डिमांड है और आज का जो ये प्रोटेस्ट है, मैं एक नारा आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, मोदी सरकार महंगाई की मार, मोदी सरकार महंगाई की मार, नौजवान विरोधी नरेंद्र मोदी, गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी, ये जो नारे आज आप पूरे देश में देख रहे हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि नारा पहले लग चुका था कि अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है वो अच्छे दिन? आप देखिए कि किस प्रकार से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, टैक्स टेररिज्म, ये टैक्स टेररिज्म को बढ़ाने के लिए ये अपनी पॉलिसियाज इख्तियार करते हैं, लेकिन एक आम इंसान की तरफ ये नहीं देख रहे हैं। ये जो सरकार अभी केंद्र में चल रही है और यहाँ पे भी जो ये उपराज्यपाल का प्रशासन देख रही है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं उनके हित में ये सरकार नहीं है, यहाँ के गरीबों के विरोधी के लिए ये सरकार नहीं है। इन्होंने हमेशा यहाँ के अवाम के साथ इस्तेसाल किया है, जैसे मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से गैस सिलेंडर में इजाफा हो गया, तेल में इजाफा हो गया, सब्जियों में इजाफा हो गया, दाल चावल जो किसान यहाँ पे पिछले 4 साल से, चाहे 2 साल कोविड की बात करें, 1 साल 370-35 की बात करें, यहाँ का रेड़े वाला अभी उसके बैंक के पैसे अभी नहीं जमा हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट देखिए कहाँ पहुँचा, लेबर देखिए कहाँ पहुँचा, यहाँ का नौजवान जो बेरोजगारी की तलाश में है कहाँ है उसका रोजगार? तो आज के इस प्रोटेस्ट के दिन पे हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इन्होंने कीमतों में इजाफा किया है वो कम करें और हमें गेट बंद करने से हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेगा और लोगों के हित में होगा और हमारे देश के होगा।